हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हर्ष शर्मा और आप देख रहे हैं रेबल हर्ष व्लॉग। गाइस, एक लड़के का कमेंट आ रहा था मेरे में। वो पूछ रहा था कि भैया बताओ कि किस तरह आपका वेट 105 केजी से 84 केजी पे आ गया है और कितने दिन लगे, क्या क्या डाइट थी आपकी। विद इन 3 मंथ्स। तो मैं आपसे बताना चाहूँगा दोस्तों, मेरा 3 मंथ पहले मेरा वेट 105 केजी हुआ करता था। तो प्रॉपर एक हार्डवर्क के द्वारा और सही डाइट प्लान के हिसाब से मैंने अपना वेट विद इन 3 मंथ्स में 84 केजीज कर लिया। तो ये क्या है डाइट और किस तरह से मैंने किया, वो मैं सब आपको आगे बताऊंगा। तो देखते रहिए वीडियो। दोस्तों, मैं अपने डाइट वगैरह में मैं आपसे पहले बता दूं कि ये एक दिन का खेल नहीं है। अगर आपको वेट लॉस करना है या कुछ भी गेन करना है, कुछ अपने गोल अचीव करना है, तो वो एक दिन में नहीं मिल जाता। आपको सबसे पहली बात डाइट से पहली बात और हर चीज़ से पहली बात आपको कंटिन्यूटी रखनी और डिसिप्लिन रखना होगा हर चीज़ में। क्योंकि अगर आपने डिसिप्लिन और कंटिन्यूटी नहीं रखी तो आपके वर्कआउट करने से, आपके डाइट प्लानिंग बनाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपका एक रेगुलरिटी होनी चाहिए, आपकी एक रेगुलरिटी होनी चाहिए और डिसिप्लिन से आप रोज़ उसको करें अच्छे से और अपना टारगेट पूरा अचीव करें। तो मैं आपसे एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। जब मैं स्टार्ट किया था तो मैंने ये टारगेट लिया था कि मैं 3 किलोमीटर स्टार्ट करूँगा रनिंग करना और वॉक करना। लेकिन जब मैं वॉक करता था तो कभी कभी शॉर्टकट्स होते थे, तो मैं हमेशा सोचता था कि चलो ये शॉर्टकट से निकल जाते हैं और मेरा गोल तो कंप्लीट हो ही जाएगा या आज का। बट फिर मैंने सोचा यार, शॉर्टकट तो हम लोग हमेशा लेते हैं और ये भी देखते हैं शॉर्टकट में आगे चल के हम लोग कभी ना कभी फंस जाते हैं। तो मैं आपसे हार्डली ये बताना चाहूँगा कि कभी भी आप शॉर्टकट को मत चूज़ करिए, क्योंकि शॉर्टकट आपको अभी प्लेजर दे देगा बट आगे चल के आपको वो मज़ा नहीं आएगा कि आपने कभी हार्डवर्क किया और अंदर से लगेगा नहीं कि आपने हार्डवर्क किया। तो हमेशा चूज़ करिए, सही पाथ चूज़ करिए और ऐसा पाथ चूज़ करिए जिसको करने से आपको खुद से प्लेजर मिले और ये पता चले कि आपने कोई चीज़ की वो सही की। हाँ, तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरा क्या डाइट प्लान था। तो मेरा जो डाइट प्लान था वो मैं सुबह उठ के वॉक पे जाता था। वॉक पे जाने के बाद, मतलब डाइट तो बताऊंगा साथ साथ और भी चीज़ें बता देता हूँ। मैं सुबह उठ के वॉक पे जाता था, उसके बाद जो मैं सुबह लेता था वो थोड़ा सा फ्रूट्स वगैरह लेता था और मिल्क नहीं लेता था। मैं फ्रूट लेता था और जो चने होते हैं चने ले लेता था। उसके बाद ब्रेकफास्ट एकदम लाइट ब्रेकफास्ट करता था मैं, जैसे थोड़ा सा मतलब ओट्स कह लो, ओट्स को या तो दूध में खा लो या तो ओट्स की मतलब जैसे आप ओट्स जिस तरह भी खा पाएँ वैसे ओट्स खा लें थोड़ा सा ब्रेकफास्ट में। उसके बाद कंट्रोल करिए, मतलब थोड़ा थोड़ा खाइए, ये नहीं कि इकट्ठा खाइए। मैं क्या करता था, जब मेरा 105 केजी होता था वेट हुआ करता था, तो मैं जब ब्रेकफास्ट वगैरह करता था तो मैं ब्रेकफास्ट में ही इकट्ठा मतलब काफ़ी हैवी ब्रेकफास्ट कर लेता था। तो ये चीज़ गलत है। आपको अपनी मील लेनी तो है बट वो एक साथ नहीं लेनी, क्योंकि एक साथ लेंगे आप तो उसका उस मील का कोई मतलब ही नहीं होगा। तो इसीलिए कभी भी मील लीजिए, थोड़ी थोड़ी मील लीजिए, ठीक है। आप 3 बार खाइए, 4 बार खाइए, डज नॉट डिपेंड, बट ये है कि आपको जो मील लेनी है वो थोड़ी थोड़ी लेनी है, ठीक है। और ऐसी मील लेनी है जिसमें प्रोटीन्स वगैरह सही मात्रा में हों, विटामिन सही हों और ना ज़्यादा शुगर हो, ना ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वगैरह हो, सब मतलब एक अच्छे डाइट प्लान के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। तो मेरी यही डाइट प्लान चलती रही और मैं रनिंग करता रहा, वर्कआउट करता रहा। मैंने जिम भी काफ़ी बीच में पकड़ा, लेकिन जिम में मेरी कंटिन्यूटी नहीं बन पाई इस वजह से, क्योंकि जिम का जो एक सिनेरियो होता है वो अलग होता है। और इसमें क्या है, मैं सुबह चला गया वॉक पे और जिम कभी खुला है उस टाइम पे नहीं खुला है। और रनिंग तो आप किसी भी टाइम कर सकते हैं जिस टाइम आपको समय मिल जाए, लेकिन मैं ये प्रेफर करूँगा कि आप सुबह टाइम या शाम टाइम एक कोई समय चूज़ कर लें, उसी में रनिंग करें। तो यही सब चलता रहा और आफ्टर 3 मंथ्स मैंने चावल बहुत कम खाया, चावल वाइट चावल मैंने छोड़ दिया एकदम। मतलब एक चम्मच खाता था, 2 चम्मच खाता था और रोटी वगैरह तो 1-2 रोटी में खाता था। मतलब खाना एकदम ख़त्म नहीं करना, आपको खाना खाना है, प्रोडक्टिव चीज़ें खानी है, लेकिन ऐसी चीज़ नहीं खानी है जो कि आपके बॉडी में फैट बना दे, और ना ही ज़्यादा खाना है। मतलब एक कंट्रोल वे में खाना है, बहुत ज़्यादा नहीं खाना, ऑयली छोड़ देना है खाना, क्योंकि ऑयली वगैरह आप खाते रहेंगे तो आप कभी भी मतलब आप सोचें कि मेरी बॉडी एकदम लीन हो जाए और ये सब हो जाए, तो जब आप एक्स्ट्रा फैट जमा करते रहेंगे अपनी बॉडी में तो ऐसा कभी होगा ही नहीं।
ओके, तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलते हैं आपसे कभी।